राधे जैसी हैं दोस्तों, स्वागत है आपका एक हमारे नए ब्लॉग में। जैसे कि कोलकाता में बहुत ज़्यादा बारिश हो चुका है, फिर भी जिम जाने का मेरा मन था। सुबह सुबह मैं जिम जाने का रेडी हो गया और अभी बारिश आप देख सकते हो कितना पानी लगा हुआ है। देखो रुको आपको दिखाता हूँ, देखो कितना पानी लग चुका है। अभी बारिश हो ही रहा है कंटिन्यूसली, तो अभी जिम के लिए हम लोग निकल लेते हैं। अभी हम शाम को जाता है तो हम सुबह में अभी जिम जाते हैं। शिवम का कुछ काम रहता है, शिवम को मैंने फ़ोन किया सुबह में जिम जाने के लिए, बट उसने मना कर दिया, उसको कुछ काम रहता है सुबह में। ऊपर से बारिश है भाई, इन लोग के अंदर जिम जाने के अंदर चाह नहीं है, मेरे अंदर पागलपन है सुबह में जिम जाने का। कभी बारिश हो चाहे कुछ भी हो, अभी तूफान में आया होता तब भी मैं बारिश जिम जाता ही जाता। रोज़ जिम जाना ज़रूरी होता है मेरे लिए। और ज़्यादा तेज थोड़ा बारिश होने लगा, हवा चल रही है, तो आगे आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको जहाँ का अभी क्लिप दिखाया बारिश का, वहाँ पर पानी कम लगा हुआ था, बट मैं जहाँ से आया वहाँ कुछ ज़्यादा ही पानी था। तो अभी आज हम चेस्ट का वर्कआउट लगाएंगे, और बहुत दिन बाद जिम का ब्लॉग आ रहा है तो सपोर्ट ज़रूर दिखाना मेरे को। तो कैमरा क्वालिटी का दिक्कत हो रहा लग रहा है बारिश की वजह से, बट कोई ना, तो सह रहे ना आप लोग, मैं भी चेहरे सह रहा हूँ जी। बारिश में जिम जाकर मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बारिश में जिम जाने से। देखते हैं कोई आया होगा कि नहीं जिम में, मेरे को बहुत मज़ा भी आ रहा है बारिश में, आप लोग भी मज़ा आना चाहिए। जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वहाँ भी फॉलो कर देना, क्योंकि वहाँ पर भी मेरे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आते रहते हैं। और एक बात था आप लोगों से कि मैं अब यूट्यूब पर रेगुलर कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो छोड़ने की, क्योंकि जैसे मैं जब 30 डेज का जब चैलेंज मैंने लिया था तो उस पर थोड़ा वीडियो छोड़ना बंद कर दिया था ब्लॉग्स, बट अब ब्लॉग्स आएंगे हफ्ते में 3, अब रेगुलर वीडियो डालूँगा मैं। और जो ये वीडियो है इस पर उसको भी इस चैनल सॉरी वीडियो नहीं इस चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हुआ गया जिम में, देखते जिम में कौन कौन आए हैं। जिम आ चुके हैं, अब जिम के अंदर क्या क्या वर्कआउट करेंगे हम आपको सब दिखाएंगे। ए भाई जिम में कराटे कर रहा है कोई बात नहीं, कहाँ से है डेडिकेशन कहाँ से है आपको? बस आते रहते भाई, देखते रहते सब। जिम आने का सुबह में सुबह में जिम आने का डेडिकेशन कहाँ से आया? कुछ नहीं, मतलब पहले से मेरे अंदर था काफी वर्कआउट करने का वगैरह। आज आज कौन सा वर्कआउट है? चेस्ट। आज तो चेस्ट होगा, मजा आएगा क्या? मैं कौन कौन सा वर्कआउट लगाता हूँ वो आपको दिखाऊंगा। और तो वार्म अप तो मैं कर चुका हूँ, ऐसे हमारा मतलब जी 5 वर्कआउट होता है, 5 वर्कआउट में से मतलब मैं मतलब एक मसल ट्रेन करता हूँ, कोई एक दिन में एक मसल ट्रेन करता हूँ, मैं चेस्टी मसल ट्रेन करता हूँ। तो मैं 5 वर्कआउट लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा वर्कआउट लगाता हूँ। पूरा आपको नहीं दिखाऊँगा, पूरा मतलब थोड़ा फास्ट रहेगा क्लिप्स, बट दिखा रहा हूँ आपको, मतलब तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। हमारा पहला वर्कआउट रहता है फ्लैट बेंच प्रेस, हम उससे स्टार्ट करते हैं। सेकेंड हमारा रहता है इंक्लाइन बेंच प्रेस, उसके बाद हमारा तीसरा रहता है डिक्लाइन बेंच प्रेस। सब बेंच प्रेस से अपना स्टार्ट होता है, और चौथा हमारा ओनली चेस्ट प्रेस होता है। वहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, अब हम आते हैं दूसरे वर्कआउट की तरफ जो इंक्लाइन बेंच प्रेस था, उसमें कुछ ज़्यादा ही लोग थे तो उसमें हम लोग नहीं करके इंक्लाइन बेंच प्रेस मशीन एक है उसमें हम लोग करेंगे। वो मशीन में आज तक नहीं देखा हूँ, बट ये भाई ने जरूर किया है, बट मैं आपको दिखाऊंगा वाला वर्कआउट। हम लोग इंक्लाइन बेंच प्रेस मारेंगे, इसमें थोड़ा वेट में ज़्यादा रहेगा मार रहा हूँ, क्योंकि मैं आखिरी सेट है जैसी सब आते हैं, तो मैं वेट लगाया ज़्यादा ही मारूंगा।
ट्राई करते भाई, देखते कैसा होता है रिजल्ट वगैरह। इसका देखो ये मेरा आखिरी वर्कआउट रहेगा, चेस्ट प्रेस। देखो भाई को देख लो, बात भाई का हालत ख़राब हो चुका है। सही है भाई, कुछ हालत ख़राब नहीं है। अभी इतने भाई का क्लिप में डालूंगा एक, वो देखना आपको। चलो आप हम चेस्ट प्रेस का वर्कआउट दिखाते आपको, लास्ट में वर्कआउट रहेगा ये। खत्म हो गया, अब टाइम है पोजिंग करने का। मज़ा आएगा इस पोजिंग करने में। बारिश देखो, अभी बारिश हो ही रहा, जय तेज बारिश हो गया है अब, बट हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिम का सेशन ख़त्म हो चुका है, हद से ज़्यादा हवा बह रहा है और बारिश भी हद से ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है। अब हम घर जा रहे हैं, आपको घर जाकर दिखाता हूँ मैं सही सलामत पहुँच गया तो। नहीं, ब्लॉग नहीं छूटा, समझ आना मैं मर चुका हूँ, समझ में आया, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, स्टार्ट हो गया है और हवा अलग चल रहा है। अरे यार, आता इधर उधर हो गया। ठीक है गाइस, आगे चलते आ जाओ, कोई मतलब अपने जान पहचान का भी नहीं मिल रहा है, उसके साथ जा पाऊँ भाई, अलग लगा लिया अपने। चलो आओ, फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। घर आते आते बहुत ज़्यादा अवस्था ख़राब हो चुका है पानी की वजह से। अब हम वीडियो को एंड करेंगे हमारा। अब एंड करने से पहले दिखा देता हूँ, पोस्ट वर्कआउट में मैंने चेंज कर दिया पोस्ट वर्कआउट अपना। पोस्ट वर्कआउट में मैं ये लेता हूँ, समझे, पोस्ट वर्कआउट में मैं ये लेता हूँ सोया चंक्स। बहुत ज़्यादा मज़ा आता खाने मेरे को दिल से। वीडियो को एंड करते हैं, मिलता है आपको अगली वीडियो में। जय श्री राम।